अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, क्रीमी चिकन हांडी। तो इसको कैसे हमने बनाना है, आइए देखते हैं, इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया है, मैंने इसके लिए चिकन लिया है हाफ़ के जी चिकन से मैं बना रही हूँ। आधा कप इसमें दही है और आधा कप इसमें क्रीम जाएगी, ये जो मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया हुआ है। और बाकी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं, आमंड एंड काजू, और इसके लिए गार्लिक, लहसुन के जवे हैं, कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, 3 अदद मैंने रखी हुई, और 1 अदद प्याज मैंने ब्राउन कर लिया है, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये देखिए, ये सब चीज़ें आप मैंने इसमें यूज़ करनी है। अब इन सब चीज़ों को मैंने क्या करना है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है, अब ये देखिए, ये इन सब चीज़ों को काजू, बादाम, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और प्याज, इनको मैंने क्रीम और इसमें दही में डाल के मैंने इनको ब्लेंडर में डाल के एक पेस्ट बना ली। ठीक है, इस तरह की ये मैंने एक पेस्ट बना ली चीज़ों की। अब बाकी का प्रोसीजर हम करते हैं। तो बाकी सब करने के लिए सबसे पहले चिकन को मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला पैन में, और इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी। ठीक है, इसी तरह मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन थोड़ा सा हमारा, मैंने डीप फ्राई नहीं करना, इसीलिए मैं थोड़ा ऑयल यूज़ करती हूँ खानों में। आप भी थोड़ा ऑयल, कम ऑयल यूज़ किया करें तो ये हेल्दी होता है। तो ये इस तरह मैंने चिकन को सारा फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये जब फ्राई हो जाएगा हमारा, और थोड़ा सा हमारा चिकन फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया था हल्की आँच पर। अब ये देखिए, चिकन गल चुका है और इस तरह ये रेडी हो चुका है। अब बाकी का हम इसको प्रोसीजर जो करते हैं, उसके लिए मैंने इसमें आधी चम्मच मैंने इसमें कुटी मिर्च डाली है, और आधा ही टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है, और आधा टीस्पून मैंने इसमें अभी नमक डाला है। नमक मैंने आधा टीस्पून इसमें अभी डाला है, और आधा मैं डालूँगी एंड में जब हमारा इसमें सारा वो पेस्ट जो मैंने रेडी किया है वो भी इसमें ऐड करूँगी, तब डालूँगी। ठीक है, तो फिर नमक हमारा पूरा हो जाएगा 1 टीस्पून। तो ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट में बस मैंने लिखा था कि इसमें मैंने 1 टीस्पून क्रश चिली डाली है, लेकिन मैं इसमें आपको कहूँगी कि आप आधी ही डालिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा हो गई थी। तो क्योंकि हमने इसमें अभी वाइट मिर्च भी डालनी है, वाइट पेपर डालना है, तो इस तरह थोड़ी सी इसको मैंने फिर ढाँप दिया था। और ये देखें अच्छे से, अब ये हमारा चिकन फ्राई हो गया है मसालों के साथ। अब मैं इसमें ये जो पेस्ट बनाई थी मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मैंने ये इसमें हाफ मैंने टीस्पून डाला है वाइट पेपर, और हाफ टीस्पून मैंने नमक अब इसमें इस वक्त ऐड कर दिया है, क्योंकि ये आधा किलो चिकन की रेसिपी मैं बना रही हूँ, इसमें मैं इतना ही ऐड करूँगी। इसमें ये अच्छा सही इसका नमक मिर्च का मसाला बहुत अच्छे से हो गया था। दूसरी तरफ मैंने ये कोयला है गर्म करने के लिए रख दिया चूल्हे पर, तो जब क्योंकि हमने इसको स्मोक देना है, तो ये देखिए, ये इसमें मैंने अभी ये पकते हुए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है। ठीक है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, और ये इसको पकने दिया। फिर ये पकते पकते ये चिकन भी गल गया, और ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। तो ये बड़े मज़े की हमारी स्मोकी वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। स्मोक हमने इसको अभी देना है जो कि रेडी हो रहा है। तो ये देखिए, बड़े मज़े की ये लुक आ रही है ना, आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, बहुत ही ये डिलीशियस बनी थी। आपको मैं बता नहीं सकती कितना ये मज़ेदार ये एक जो हमारी डिश बनी थी। अब हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, अब इसको मैंने स्मोक देना है। इसके लिए मैंने कोयला रखा, और उस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल इस पर डालना है, और इसको मैंने ढांप देना है। अब इसमें जो इतना स्मोक है वो इसमें चिकन में इसका फ्लेवर चला जाएगा। तो ये हमारा मज़ेदार सी चिकन हांडी, स्मोकी चिकन हांडी रेडी है, क्रीमी। और अब इसको मैंने थोड़ा सा नीचे से फ्लेम ऑन किया था, ताकि ये और अच्छे से हमारा थोड़ा सा ऑयल इसमें ऊपर आ गया। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है। तो अब इसी तरह आपने भी बनाना है। अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है, इसको बनाइए, खाइए, दोस्तों फैमिली के साथ उनको बना के खिलाइए, खुश होंगे, आप भी खाइएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपकी कैसी बनी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
एक और मज़ेदार रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।